बेटा इसमें जो नंबर्स है ना आपके मिक्स फ्रैक्शन वाले ज्यादा यूज होंगे, तो प्लीज ध्यान से करना। ओके सपोज ऐसे आपके पास फ्रैक्शन हो, 2 1/4 फ्रैक्शन है, तो मेरे को कौन बताएगा इसको किसमें चेंज करते हैं, प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में? मैम इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? कोई एक जना आगे आके बताओ, 6A में से। यस, वेरी गुड वेरी गुड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है बेटा? न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है? तो अगर हमने इसको चेंज करना हो फ्रैक्शन में, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले आप 2 × 4 करोगे, प्लस 1 करोगे, ऐसे ही करते हो ना? 2 × 4 प्लस 1 अपॉन 4, जो नीचे वाला 4 होता है वो सेम ही रहता है, सबको पता ही है, पता है आपको? वेरी गुड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 8, 8 and 1 9, 9/4, ठीक है? मैंने ऐसे एग्जांपल लिए है आपको रिकॉल करवाने के लिए कि ऐसे फ्रैक्शंस आपके आज मिक्स फ्रैक्शन वाले ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है? तो हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे आपने साथ साथ में नोट भी करना है, ओके? और जो नहीं आएगा खड़े होके पूछना भी है, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आपने भी असाइनमेंट में पढ़ना है और नोटबुक में उसका आंसर पूरा का पूरा नोट करना है, ये नहीं देखना कि सिर्फ आंसर को टिक मार्क कर दो, वो नहीं करना, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस सोनी बॉट 7 1/2 liters ऑफ मिल्क, आउट ऑफ दिस मिल्क 5 3/4 liters वॉज कंज्यूम्ड। कंज्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? यूज यूज कर लिया। यस, सब लोग लिख लो, आप ही असाइनमेंट पे ही लिख लो, कंज्यूम्ड का मतलब यूज्ड, उसमें से यूज कर लिया। जिसको नहीं पता वहां पे उसका मीनिंग लिख लो, ठीक है? ये वर्ड आपके अभी यूज होंगे, 6th क्लास में हो गए हो, और भी क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं, असाइनमेंट में ही उसके सामने लिख लो, कंज्यूम मतलब यूज्ड, ठीक है? उसके पास 7 1/2 liters ऑफ मिल्क था पहले, 7 1/2 liters ऑफ मिल्क, और उसमें से उसने कंज्यूम कर लिया 5 3/4, 5 3/4 मिल्क उसने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया। क्वेश्चन इज हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विद हर, कितना मिल्क उसके पास बचेगा, ठीक है? जब कोई चीज हमने लेफ्ट ओवर निकालनी होती है तो दो नंबर्स को क्या करते हैं, माइनस या प्लस? माइनस माइनस, सबको पता है, तो माइनस का साइन बीच में लगा दो। अब ये मिक्स वाले फ्रैक्शंस हैं, आपको पता है, और मिक्स फ्रैक्शन जब आप लिखते हो आपके रजिस्टर पे बहुत अच्छी अच्छी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही उसको लाइन के ऊपर लाइन करके करना है, ठीक है? कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो 71 लिखा है या 7 को अलग लिखा हुआ है, लिखने के लिए प्लीज ध्यान देना इसको, ठीक है बेटा? ओके, ठीक चलो अभी मैं इसको दोबारा करती हूँ। हमारे पास नंबर था 7 1/2, फर्स्ट क्वेश्चन 7 1/2 माइनस 5 3/4, और आपको पता है जब मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन होता है तो हम उसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, पता है ना सबको? मैम स्टार्ट करो, आपको सबको पता है इसका क्या आएगा, हाथ खड़े करो। 15/2 माइनस 23/4, सबको पता है ये, 15/2, और इधर है 4 5 20 एंड 23/4, ठीक है? और देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 15 है, वहां पे 23 है, और ये माइनस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि माइनस में आंसर आएगा क्योंकि 23 बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। आपका ये क्वेश्चन तब निकलेगा जब आप इसमें इसका एलसीएम लोगे। आपको पता है एलसीएम क्या होता है?
आपको पता है कि हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं दोनों के, सॉल्व करना होता है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं बनेंगे तो तब तक हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को करने की टू वेज है, या तो आप 15 इंटू टू बाय टू इंटू टू करो और इसको बनाओ 30 बाय 4, या फिर दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम 4 आएगा। आपने कैसे करवाए हुए, आपको यहाँ पे ऐसे करवाया या फिर इसको ठीक करके करवाया, डिनोमिनेटर सेम करके करवाया हुए? ऐसे मल्टीप्लाई करके? यस ऑलराइट ऑलराइट, चलो ठीक है, फिर वैसे ही करो आप पे। डिनोमिनेटर इनके सेम बनाओ, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं आएंगे आपका वो क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो इसको भी आपने 4 बनाना है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 4 आ जाए यहाँ पे? तो अब हम नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा। आपको पता होता है फ्रैक्शन में जब हम नीचे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि एक जगह लिख दिया और दूसरी जगह नहीं लिखा। तो इट विल बी लाइक दिस, और 23 बाय 4 एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी वो लाइट बनने वाले हैं। ओके तो आपका आ जाएगा 30 बाय 4 माइनस 23 बाय 4। आपने देखा वो 15 से 30 बन गया, अभी तो माइनस करना बहुत इजी है। यहां तक समझ आ गया सबको? ओके प्लीज फाइंड आउट, सबको माइनस करना आता है, निकालो इसकी वैल्यू। थर्टी माइनस 23, वेरी गुड, जल्दी से निकालो एंड रेज योर हैंड, किस किसने कर लिया? 6B, वेरी गुड, बहुत फास्ट किया है, वेरी गुड। 6A से भी काफी हाथ खड़े हैं। इज इट कमिंग 7 बाय 4? वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बेटा क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, और आप देख रहे हो इसके ऑप्शंस में भी सारे के सारे हमारे मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालना ही पड़ेगा। 6B से, यस, ये गर्ल्स जो बैठी हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, मिक्स में निकाल लिया आपने? मैम यस कितना आ रहा है बेटे? मैम 1 3/4। 1 3/4, 1 3/4 आपने कैसे लिखा है बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब आपने इसको डिवाइड किया, आपने किया 4 1s 4, रिमाइंडर आया 3, तो आपने किस फॉर्म में लिखा है इसको? फॉर्मूला क्या होता है मिक्स में लिखने का? आपने 3 1/4 तो लिखा है, उसको 1 1/4/3 क्यों नहीं लिखा? 6A में से, हाँ, वन गर्ल इज रेजिंग हर हैंड सेकेंड बेंच पे, यस बता दो बेटा जल्दी से। 6A, यस यस यस, फॉर्मूला क्या है? कोशेंट, आगे रिमाइंडर, क्यू आर बाय डी, यस वेरी गुड, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप लिखते हो, तो 1 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी ऑप्शन आ रही है ए, प्लीज मार्क इट, असाइनमेंट में लिख लो इसको। और ये क्वेश्चन ओरल करने वाला नहीं है, पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है, एसेशन रीजन में भी आ सकता है, ठीक है। जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सबने कॉपी में सॉल्व किए हैं, अपना सामने सारे स्टेप्स लिखे हैं? वेरी गुड, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके चलो जल्दी से नोट करो, फिर सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, रितु पेंटेड 2 बाय 5 ऑफ द वॉल स्पेस इन हर रूम। ओके 2 बाय 5 उसका फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको जब आप इसका सॉल्यूशन लिख रहे हो, राइट डाउन रितु पेंटेड, शॉर्ट फॉर्म में स्टेटमेंट लिखनी है ताकि आपको फोकस करना है कि किसने कितना किया। दो गर्ल्स की बात हो रही है, सॉरी 2 बाय 5, दिस इज 2 बाय 5, इसको ठीक करो, दिस 2 बाय 5, रितु पेंटेड 2 बाय 5 ऑफ द वॉल एंड
हर सिस्टर रश्मि हेल्प्ड एंड पेंटेड 3 by 4, 3 by 5 ऑफ द वॉल स्पेस। ठीक है, उसकी जो सिस्टर थी उसने हेल्प की उसको, रश्मि ने। तो रश्मि ने कितना किया उसका, हाउ मच शी पेंटेड इज इक्वल टू 3 by 5, दोनों ने मिलके किया। ठीक है, हाउ मच इज लेफ्ट अनपेंटेड, अनपेंटेड पूरी वॉल जो थी उसको पेंट किया दोनों ने मिलके किया, तो हमने बताना है कि अनपेंटेड कितनी रह गई, कि ऐसी कौन कितना पार्ट रह गया उसमें से जो पेंट नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये निकालना है कि कितना पेंट हुआ। ओके, वो कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके या माइनस करके? प्लस ठीक है, यहाँ पे लिखो टोटल वॉल पेंटेड, छोटी छोटी स्टेटमेंट लिखते जाओ ताकि आपका आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। टोटल वॉल पेंटेड कितनी पेंट हुई है, दोनों को प्लस करेंगे, 2 by 5 + 3 by 5। ये तो लाइक फ्रैक्शंस हैं, जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो बहुत इजी होता है उनको प्लस करना। ठीक है, पहले से उनके डिनोमिनेटर्स मिल रहे हैं, इट विल बी 2 + 3 by 5। कितना आंसर आ रहा है, 5 by 5 5 by 5। एंड 5 by 5 क्या होता है, 5 by 5 क्या होता है, काटोगे तो 1 आएगा ना, 1। इसका मतलब कि कितनी पोर्शन ऑफ वॉल हमारा पेंट हुआ, 1 1 का मतलब कंप्लीट। ठीक है, तो 1 हमें क्या बता रहा है कि कंप्लीट वॉल वॉज पेंटेड, पूरी की पूरी वॉल पेंट हो चुकी थी। अगर कोई यहाँ पे फ्रैक्शन आता तो हम बोलते कि इतना जो है पेंट हुआ है। ठीक है, 5 by 5 का मतलब है होल, होल का मतलब पूरा का पूरा, जो अगर 5 पार्ट्स उसके थे तो 5 के 5 पार्ट्स उसके पेंट हो चुके हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा है हाउ मच इज लेफ्ट अनपेंटेड, कितनी वॉल बची है, पूरी की पूरी पेंट हो गई है या कोई पार्ट बचा है इसमें से, बचा है कोई पार्ट? नहीं, हमें पता चल रहा है कि पूरी की पूरी वॉल पेंट हो गई इसलिए मैंने ये सेंटेंस आपको लिखवाया है। तो अनपेंटेड कितनी होएगी, अनपेंटेड वॉल जिसके ऊपर पेंट नहीं हुआ इज इक्वल टू 0। आपको पता है मैथमेटिक्स में 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 का मतलब नथिंग। ओके, एम्प्टी, कोई भी चीज खाली है हम बोलेंगे 0, उसको 0 रिप्रेजेंट करते हैं। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, उसको भी हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। पता है आपको, प्लीज इसको मार्क करो, सी ऑप्शन, इट इज 0। ये इसको नोट करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट करो, छोटी छोटी जो मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं उनको भी लिख के पेंट करो, सॉरी नोट करो, ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम मुश्किल ना हो। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन बेटे, यस लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 बॉक्सेस वे 18 3 by 4 kg, 7 1 by 2 kg एंड 10 1 by 5 kg। 3 बॉक्सेस का वेट दिया हुआ है हमें, लिखना पड़ेगा इसको, आप भी नोटबुक में लिखो क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। 7 1 by 2 एंड 10 1 by 5। ठीक है, 3 तरह की हमें उनका वेट दिया हुआ है बॉक्सेस का, 3 बॉक्सेस हैं उनके अलग अलग वेट दिए हुए हैं। अब पोर्टर कैरीज, पोर्टर कौन होता है, कुली, जिसको कुली बोलते हैं। पोर्टर कैरियर ऑल द 3 बॉक्सेस, कैरीज ऑल द 3 बॉक्सेस, उसे तीनों के तीनों बॉक्सेस उठा लिए। व्हाट इज द टोटल वेट कैरीड बाय द पोर्टर, टोटल वे, सिंपल सा क्वेश्चन है।
ना, टोटल को पढ़ के ही सबको पता चलता है कि टोटल का मतलब क्या करना होता है। होता है यस, ठीक है, प्लस तो करना ही है इसको, लेकिन ये जो नंबर्स हैं उनको तरीके से आपने डील करना है। जो मिक्स है उनको पहले इम्प्रॉपर में करो, जो इम्प्रॉपर में है उनका फिर डिनोमिनेटर सेम करो। आपको लग रहा है तीनों में डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इसमें A4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, ठीक है। ऐड करना तो मुश्किल नहीं है, ऐड करना सबको पता है, ठीक है, उनको केयरफुली करना है। तो करना स्टार्ट करो, सारे सबको आता है, प्रोसेस आपको पता है मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं। प्लीज डू, अपनी नोटबुक में करो, और जिनका हो गया वो आगे अगला स्टेप करते जाओ, रुकना नहीं है बीच में, ठीक है। एटीन 3/4 प्लस 7 1/2 प्लस 10 1/4 आप अपनी नोटबुक में लिखो, और उसके बाद यहां से मैच करते रहना कि आपका ठीक हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपको आता है ये। ओके, 18 3/4 मेरा ये आ रहा है, जब मैंने कैलकुलेट किया इट इज कमिंग 75/4। किस किस का 75/4 आ रहा है, रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड, चलो गुड गुड, आगे चलो। यस गुड, आगे इजी है। 15/2 यस, नेक्स्ट 51/5। तीनों में अलग अलग डिनोमिनेटर है, सबको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको सेम करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। यस ओके, एलसीएम निकालो, क्या आ रहा है, 2, 4 एंड 5 का एलसीएम। रफ रफ कॉलम आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ लिखना होता है, सब कुछ क्वेश्चन में नहीं दिखाना होता। जल्दी से इसका 20, 20 किस किस का 20 आ रहा है, रेज योर हैंड। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो भी 20 तक निकालो, औरों को देख के नहीं लिखना, अपनी मर्जी से उसको कैलकुलेट करके लिखो। इट इज कमिंग टू बी 20। यस आप ऊपर, आपको पता है यहाँ पे 75 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, क्योंकि एलसीएम हमारे पास 20 था। सबको पता चल गया ये 5 कहाँ से आया है। जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ पे, मैं छोटी सी कैलकुलेशन करूंगी, आपको पता चलेगा 20 को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 4 5 20। ओके, तो जो हमारे पास क्वोशेंट आता है उसको हम ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिसको नहीं पता खड़े होके पूछ लो अभी ये प्रोसेस कि एलसीएम के ऊपर कैसे लिखते हैं। 15 इंटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे एलसीएम 20 है तो। टेन से वेरी गुड, 10 से प्लस 51 को किससे करोगे, 4 से। वेरी गुड, ये आपका रफ कॉलम था, इसको सामने दिखाने की जरूरत नहीं है डिवीजन को। कई कई बार बेटे बड़े नंबर आ जाते हैं ना, तो उसको आप डिवाइड करके फटाफट चेक कर लिया करो। छोटे नंबर तो आप ओरली कर लेते हो डिवाइड करके कि ये आंसर आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इन क्वेश्चन में मिस्टेक होने के काफी चांसेस होते हैं, फटाफट से रफ कॉलम में जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे कॉपी डाउन कर लो, ठीक है बेटे। प्लीज इसको निकालो जल्दी से, कैलकुलेशन आपके रफ कॉलम में आप मल्टीप्लाई करो इनको। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर ही मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे कर देंगे, 51 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे नहीं करना आपने, ये सारा काम आपका रफ में होना चाहिए। ओके चलो, वेरी गुड, बताओ इसका फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है।
75 मल्टीप्लाई बाय 5 वेरी गुड करो इसको जिसका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है रेज योर हैंड अभी तक जिसका सारे आंसर्स मिल रहे हैं 375 150 204 वेरी गुड चलो आगे चलो ऐड करो सबको यस ओके ये आ रहा है आपका 729 बाय 20 लेकिन आपको ये भी पता है फ्रैक्शन के चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं ठीक है ये इनकम्प्लीट माना जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हमने मिक्स में कन्वर्ट करना ही करना है रूल होता है वो प्रॉपर होता तो आप इधर ही छोड़ देते अगर ये 20/7/29 होता तो छोड़ देते इन पे लेकिन ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है हमें डिवाइड कर सकते हैं इसको प्लीज इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी हम आंसर की तरफ नहीं देखेंगे स्टार्ट करो रफ कॉलम आपका तैयार है उसी में लिखते जाओ चेक करते जाओ नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए तभी आपको समझ आएगा कई बार अपनी राइटिंग भी नहीं समझ आती होती जब आप जल्दी में लिखते हो ओके काफी बच्चों ने कर लिया है यस आई एम गोइंग टू राइट आंसर फिर आप देखना 36 9/20 कितना आ रहा है सबका रेज योर हैंड किस किस का सेम आ रहा है आंसर वेरी गुड आपको डिवाइड करना आता है क्यू आर बाय डी इसका आंसर होता है इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हमें यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा ठीक है अब हम आंसर्स की तरफ जाते हैं देखते हैं कि उनमें से मैच कर रहा है कि नहीं बी ऑप्शन या वेरी गुड क्योंकि उसमें लिखा है बोथ ए एंड बी क्योंकि एक्चुअली तो हमारा बी होना चाहिए क्योंकि हमने लास्ट तक निकाला अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपने इसको बी ऑप्शन में आंसर में आना था 36 9/20 kg निकालना था लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन भी दी हुई है 729/20 तो हम उसको गलत नहीं बोल सकते हम ये नहीं कह सकते कि ए ऑप्शन उसका आंसर नहीं है ओके तो आपने ए भी ऑप्शन हो सकती है उसकी ए भी है और बी भी है तो आपकी डी ऑप्शन आएगी बोथ ए एंड बी डी ऑप्शन इसकी मार्क कर लो जिसमें आ रहा है बोथ ए एंड बी ठीक है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिन बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक है सब कुछ मेरे सारे स्टेप्स मेरे से मिल रहे हैं इनका मतलब उनको फ्रैक्शन अच्छे से समझ आ चुका है हाथ खड़े करोगे किस किस के सारे स्टेप्स मिलते थे जिन्होंने मेरे बोर्ड से नहीं देखा खुद किए वेरी गुड वेरी गुड चलो मार्क कर लिया डी ऑप्शन चलो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फोर्थ बेटा स्टेटमेंट क्वेश्चन हमने धीरे धीरे पढ़ने होते हैं धीरे धीरे उनको समझना होता है एक एक सेंटेंस को एवरी सेंटेंस हैज अ मीनिंग ओके फोर्थ इज रीना ईट्स वन फुल बार ऑफ चॉकलेट यू नो चॉकलेट की एक पूरी बार होती है जब आप मार्केट से खरीदते हो पैकेट के अंदर ठीक है स्टिक होती है तो वो जो बार है वन फुल होती है रीना ईट्स वन फुल ठीक है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमने अभी उसको रीना ईट्स वन फुल बार वन फुल को हम वन काउंट करेंगे नंबर तो उसका वन ही काउंट करेंगे ना मैथ्स में हमने उसको अगर यूज करना है देन शी डिवाइड्स अनदर वन एक और बार थी उसके पास चॉकलेट की इंटू फाइव इक्वल पार्ट्स एक और बार थी एक बार तो उसने पूरी की पूरी खा ली ठीक है जो दूसरी बार थी एक और उसको उसने फाइव इक्वल पार्ट्स कर दिए 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 5 पार्ट्स इक्वल कर दिए और उसमें से उसने शी ईट्स
थ्री ऑफ दोज पार्ट्स, पांच में से उसने तीन खुद ही खा लिए, ठीक है। एक तो उसने ये कंप्लीट खा ली, पूरी की पूरी ये खाई, और यहां से उसने थ्री पार्ट्स खा लिए, थ्री ये वाले, ठीक है। तो स्टोरी से आपको क्या पता चल रहा है कि फ्रैक्शन क्या लिखे हम, कितने फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट उसने खाई। सिक्स ए में से लास्ट बॉय, यस आगे आ जाओ, वेरी गुड, डिस्टर्ब, यस वेरी गुड, आ जाओ, आपका हाथ मैंने सबसे पहले देखा था। बताओ, 3/5, तो अकेला 3/5, इसके इसका तो फ्रैक्शन पता चल गया इसका कि 3/5 आएगा, यहां से उसने 3/5 खा लिया। पूरी की पूरी चॉकलेट कितनी खाई उसने, वन होल होल, इसका मतलब उसने खाई वन पूरी की पूरी प्लस 3/5, ये भी खाई ये भी खाई, यस वेरी गुड, सिट डाउन। आपको पता है बेटा फ्रैक्शन में जब आप लिखते हो 1/3/5, इसका मतलब वन प्लस होता है बीच में, 1+3/5 होता है, पता है आपको, पता है ना, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लीज रिमेम्बर। मैं आपको दोबारा ये बता रही हूँ क्योंकि कई कई बार 7th-8 के बच्चों को भी पता नहीं होती ये बात। 1/3/5, 2/5/9 का मतलब है 2+5/9, कि 2 तो कंप्लीट है ही है, उसके अंदर हमने 5/9 और ऐड कर दिया, ठीक है। बीच में प्लस का साइन होता है, ये हिडन होता है, अंडरस्टूड है कि उनको ऐड करोगे आप, ओके। एक होल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट हमारा फ्रैक्शन का होता है, दोनों को प्लस करके हमारी ये मिक्स फ्रैक्शन बनती है, ओके। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि उसने कितनी चॉकलेट खाई। फाइन, द टोटल चॉकलेट शी हैज ईटन, टोटल चॉकलेट, तो टोटल चॉकलेट विल बी इक्वल टू 1+3/5, जब आपने इसको प्लस किया इट बिकेम 5+3/5, एल्स तो बिकेम 8/5। किस किस को ये क्वेश्चन आता था, जिन्होंने जल्दी से बताया मेरे को आंसर कि 8/5 ही होगा, यस वेरी गुड वेरी गुड। जिनको नहीं आता प्लीज नोट कर लो, ये स्टेप्स दो तीन दो स्टेप्स में का क्वेश्चन है ये बस, ठीक है। पहले हमने दोनों चॉकलेट्स के बारे में लिखा कितना कितना खाया, फिर दोनों को प्लस किया और आंसर आ गया 8/5, सी ऑप्शन, ओके। या ये ऑप्शन मैच कर रही है, इंटरेस्टिंग है ना ये सारे क्वेश्चंस, Yes. मजा आ रहा है करने में, है ना। कई बच्चों को स्टेटमेंट क्वेश्चन से बहुत डर डर लगता है, आपको भी लगता है क्या, इंटरेस्टिंग लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, है ना, स्टोरी पढ़ के अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसे ही तो होता है, थोड़ी चॉकलेट मैंने खाई, थोड़ी फ्रेंड को दी, शेयर की, फिर हमने फ्रैक्शन निकाला किसने कितनी खाई, है ना, रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जितने भी स्टोरीज हम होते हैं ये सारे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कि हम भी ऐसा ही करते हैं जैसा वहां लिखा हुआ है, इज इट। तो रियलिटी में कभी कभी अपने अपने मैथ्स भी यूज किया करो, कि जब आप शेयर करते हो कोई चीज अपने फ्रेंड के साथ, पिज्जा शेयर किया, कुछ और चॉकलेट शेयर किया, बिस्किट शेयर किए कि मेरे पास 10 बिस्किट है, मैंने 2 तेरे को दे दिए, तो अपना जरा फ्रैक्शन ओरल भी कैलकुलेशन किया करो अपनी मेंटल, किसने कितना खाया, ठीक है, उससे आप इंटेलिजेंट भी बन जाओगे ओरल कैलकुलेशन करने में, टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाता है आपका, और ये चलते ही रहना है, फ्रैक्शंस तो आपका आप सारी क्लासेस में आएगा आगे आगे, 7th में भी है, 8th में भी है, ये क्वेश्चंस आपके चलते ही रहने हैं। चलो एसर्शन रीजन स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, एसर्शन, द सम ऑफ टू और मोर लाइक फ्रैक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द न्यूमिरेटर्स एंड रिटेनिंग द कॉमन डिनोमिनेटर, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेनिंग, वहां पे मीनिंग लिखो शीट में, रिटेनिंग
असर्शनिज्म में आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना. रिटेनिंग का मतलब विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग. किसी चीज को अगर चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उसको रिटेन कर रहे हो. यस, काफी बच्चे लिख रहे हैं इसको. आई एम हैप्पी टू सी देम. जो 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 नए वर्ड्स आते हैं आपके असाइनमेंट में, बुक में, कहीं भी आपको दिखता है, फटाफट डिक्शनरी से देख लिया करो, उसका मीनिंग लिख लिया करो. रिटेनिंग मीन्स विदाउट चेंजिंग, वैसा का वैसे ही रहेगा वो. तो असर्शन हमारा, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. 1/2, 1/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2/7. प्लीज इसको 7 कर लो बेटे, यहाँ पे 5 है आपका, इसको काट के 7 कर लो. प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार. एवरीबडी 5 को काट के 7 कर लो. और सबको पता है ना 1/7 प्लस 1/7 2/7 ही आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता. पता है ना सबको? Yes. वेरी गुड, आप तो बहुत भी एक्सपर्ट हो गई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लिए आपने. चलो ठीक है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. यस, जो फॉर्मूला लगाते हो एडिशन के टाइम, लाइक फ्रैक्शंस के बारे में सोचते हो कि सेम अगर डिनोमिनेटर है तो उसको ऐसे क्या ऐसे ही लिख देते हो, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं होती है. पता है ना आपको, जब वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो उसको हम डिनोमिनेटर को एज इट इज ही एलसीएम ही मान लेते हैं, कि वो सेम का सेम ही रहेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर्स के नंबर को ऐड करते हैं. ठीक है, तो दिस इज असर्शन इज ट्रू. वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन इज ट्रू. व्हाट अबाउट रीजन? दिस इज False. रीजन इज फ्रैक्शंस कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. False. दिस इज फॉल्स. आपने किए क्वेश्चन क्या ये नंबर ऑफ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने फ्रैक्शंस को? किया Yes. हुआ है, आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा. एंड असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो कौन सी स्टेटमेंट होगी इसकी, कौन सी रीजन मैच करेगा? ए बी सी डी, कौन सा? 6B में आई कैन सी हिज हैंड, जो सबसे आगे बच्चे बैठे हैं. बी सेक्शन. यस, जल्दी से बता दो. सी ऑप्शन इज देयर, इसकी सी ऑप्शन लिख लो. एंड क्वेश्चन नंबर 6, assertion for adding two or more unlike fractions. अभी unlike की बात हो रही है. We first find their equivalent fractions with the same denominator and then add them. आपने मेरे को बताया था कि हम उनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, हमने क्वेश्चन अभी किए भी हैं. उनका डिनोमिनेटर सेम बनाओ या एलसीएम निकालो, एक ही बात होती है ना, जो भी आपको इजी लगता है आप मेथड फॉलो कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. तो अनलाइक फ्रैक्शंस में ऐसा ही करते हैं क्या, पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते हो फिर उनको ऐड करते हो? Yes. यस, तो इट विल बी ट्रू, असम्पशन Yes. विल बी ट्रू. गुड, रीजन फॉर रिप्रेजेंटिंग टू 1/7 ऑन द नंबर लाइन, वी हैव टू डिवाइड द गैप बिटवीन 1 एंड 2 इन 7 इक्वल पार्ट्स. टू 1/7, हमें 2 1/7 जो है वो रीजन है आपका, 2 1/7 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे. आपने ये किया होगा बेटे, मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे करते हैं? यस, किया हुआ है. अब ये हमारे पास 2 1/7 है. 2 1/7 का मतलब कि 2 होल है. आपको जैसे अभी मैंने बताया था कि इसको 2 1/7, 2 प्लस 1/7 भी लिख सकते हो. प्लस साइन जो होता है हिडन होता है, वो बीच में छुपा होता है, आपने खुद लिखना होता है. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें नंबर लाइन पे, तो आप ये आपके 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि हम 2 1/7
इन दोनों के बीच में लेंगे या फिर इधर लेंगे, कहां लेंगे? किसी को पता है? या सिक्स बी में फर्स्ट बॉय हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताओ। मैम बिटवीन टू एंड थ्री बिटवीन टू एंड थ्री, वाई? रीजन क्या है इसका? मैम बिकॉज द न्यूमिनेटर इज टू, न्यूमिरेटर तो टू नहीं है। ओके, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। सिट डाउन, और कोई बताएगा? ओके चलो, अभी ध्यान से सुनो फिर। इधर कैसे करना है इसको बेटे? जब आपके पास 1/7 अकेला होता, अगर आपके पास 1/7 अकेला आपने रिप्रेजेंट करना होता नंबर लाइन पे, तो आप इसको करते, जीरो से स्टार्ट करते और जीरो और वन के बीच में वो सेवन पार्ट्स कर देते उसके, और आप कहते कि 1/7 यहाँ पे आ रहा है। वो तो करना आता ही है सबको, यस ठीक है? जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी 1/7 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन था, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, जीरो और वन के बीच में आ रहे हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे आपके पास होता 1/1/7, 1/1/7 होता सपोज, 1/1/7, तो इसका मतलब क्या है? 1+1/7, 1+1/7 का मतलब कि 1 तो ऑलरेडी है, 0 से 1 तक तो ऑलरेडी 1 तो कंप्लीट है आपके पास, अभी 1 से आगे जाना है आपने, ठीक है? जैसे आपने चॉकलेट की बात की थी कि उसने 1 होल चॉकलेट खाई है और उसके बाद एक्स्ट्रा खाई है, तो 1 से ज्यादा खाई ना, तो 1 के आगे जाएगा वो नंबर लाइन पे। इसी तरह वो 1+ समथिंग होगा, तो 1 और 2 के बीच में हम 7 पार्ट्स करेंगे, ठीक है बेटे? अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 2+1/7, इसका मतलब 2 कंप्लीट तो है ही है, पहले से ही है 2 तक, 2 के ऊपर जाना है, 2 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब 2 से हमें आगे जाना है, 2 और 3 के बीच में हम 7 पार्ट्स करेंगे और वहां पे आपके पास 2 1/1/7 रिप्रेजेंट करोगे। इज इट क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने किन दो के बीच में पार्ट्स दिखाने हैं, 2 और 3 के बीच में दिखाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2+ समथिंग है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर रिप्रेजेंटिंग 2 1/7 ऑन द लंबर लाइन वी हैव टू डिवाइड द गैप बिटवीन 1 एंड 2 इन 7 पार्ट्स। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स, वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली बोलो। 1 एंड 2 के बीच में नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, वो आगे होगा उसे, ठीक है बेटे? सो दिस इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। यस, यहाँ पे आपका आएगा रीजन इज फॉल्स, फिर से सी ऑप्शन आएगी क्योंकि आपकी असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है बेटे? सेवेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, सेवेंथ क्वेश्चन असर्शन में। प्लीज इसके सारे स्टेप्स देखो ध्यान से और एक मिस्टेक निकालो अगर किसी को दिख रही है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने सॉल्व किया हुआ है, एक एक स्टेप उसका देखो और निकालो कि मिस्टेक है किसी स्टेप में। पढ़ लिए सारे स्टेप? आपको खुद करने, खुद भी कर सकते हो रफ कॉपी में, छोटी छोटी कैलकुलेशन करके देख लो कि सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। किसी को कोई मिस्टेक मिली इसमें? वेरी गुड, इसके बेटे पेज टर्न करोगे ना, आधा क्वेश्चन पीछे भी किया हुआ है, ध्यान देना, ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन।
हाँ किसने किसने कर लिया? लास्ट बॉय सिक्स थे, यस आगे आ जाओ। कोई मिस्टेक मिली आपको? नो दिस इज ट्रू, यस यस दिस इज ट्रू, यस क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन इज ट्रू। ठीक है पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हुआ है, एलसीएम ठीक लिया हुआ है, प्लस ठीक किया हुआ है, मिक्स को वेरी गुड, गो बैक। इसका आंसर आ रहा है 514/15। कोई और है जिसको कोई मिस्टेक मिली हो इसमें, या सब बोल रहे हैं कि ठीक है? रेजो हैंड जो जो कह रहे हैं कि ये ठीक है क्वेश्चन। ओके गुड, कर लो कर लो, वेरी गुड। आई एम गिविंग यू मिनट, थोड़ा टाइम और देती हूँ, अभी चेक कर रहे हो आप लोग। डू इट, चलो असर्शन इज ट्रू, सबके लिए ट्रू है, सब एग्री कर रहे हैं, रेज़ योर हैंड जो जो कह रहे हैं कि हाँ ये ट्रू है, गुड। चलो रीजन, रीजन तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसको भी चेक कर लो फटाफट। ट्रू, वेरी गुड, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये तो। ठीक है दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब जब दोनों ट्रू होते हैं तो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें देखने वाली कि वो ए होगा या बी होगा, ये देखने वाली बात होती है ना? क्योंकि ए में भी दोनों ट्रू होते हैं, बी में भी दोनों ट्रू होते हैं। ए में दोनों ट्रू कब होते हैं? जब दोनों का रिलेशन हो आपस में। असर्शन वाली बात बी में हो रही है और बी वाली बात ए में हो रही है, असर्शन में। लेकिन बी ऑप्शन कब होती है? जब ए असर्शन में कोई और बात कर रहे हैं, रीजन में कोई और बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है तो सोच के बताओ जरा, ये ऑप्शन होएगी या बी होएगी? बी बाय रीजन क्या है? बी क्यों होगा? बी ठीक है बिल्कुल, कौन बताएगा रीजन? हाँ बताओ, यस यस सिक्स ए में मिडिल रो में, यस द गर्ल हु इज सिटिंग, आगे आ जाओ। बिकॉज सेम एज दैट, सेम एज दैट क्यों नहीं है? डिफरेंट क्यों है दोनों? व्हाई दे आर डिफरेंट? बिकॉज असर्शन इज सेइंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड रीजन इज सेइंग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना? क्वेश्चन आपके सामने ही है, असर्शन में आप ऐड कर रहे हो सबको, आंसर निकाल रहे हो, और रीजन में आपने माइनस किया है, इसलिए इसलिए बी ऑप्शन आएगी। ओके बेटे, ओके सिट डाउन बेटे, वेरी गुड, प्लीज मार्क इट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, एनी प्रॉब्लम इन दैट? ओके चलो आगे शुरू करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? थोड़ी विजुअलाइज करनी होती है, थोड़ा सोचना होता है जो जो हमें स्टेटमेंट दिया होता है। किसी को कोई डाउट है तो अभी खड़े होकर पूछ लो, इतने सारे हमने जो को भी क्वेश्चंस किए हैं, कुछ पूछना है किसी को? ओके चलो केस स्टडी करते हैं बेटा। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चंस के होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही हैं, छोटे छोटे हर एक पार्ट में, लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है रफ कॉलम में। ठीक है एक रफ कॉलम आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए जहां पे हम लिख के देखेंगे। ओके द क्वेश्चन इज, इन द नेशनल पार्क देर इज अ पॉन्ड हुज वॉटर लेवल इज मॉनिटर्ड बाय अ स्केल एज शोन इन बिलो। ठीक है बेटे, वॉटर लेवल इज शोन बिलो, हॉरिजॉन्टल आपकी ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आपके पास जीरो शो किया हुआ है और उसके बाद कुछ मार्किंग की हुई है, काउंट करो जरा इनको,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, काउंट करो कितनी लाइंस है बीच में। नाइन नाइन, यस, सबको मिल पता चल गया, दिस इज नाइन। नाइन लाइंस बीच में है और जो 10th वाली लाइन है वहां पे 1 है आपका। ठीक है, ये काउंटिंग जरूरी थी, हो सकता है हमें आगे इसकी जरूरत पड़े। ओके, द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वाटर लेवल ऑफ द पॉन्ड इज 1 मीटर। इसका मतलब पॉन्ड में जो पानी है उसका लेवल है 1 मीटर, यहां तक कंप्लीट है, यहां तक कंप्लीट है उसका पानी। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द समर द वॉटर द लेवल रिड्यूस्ड बाय 2 बाय 5 मीटर। रिड्यूस मीन्स नमी कम हो जाता है, रिड्यूस मीन्स लेस। लिखना है तो लिख लो, किसी को लिखना है तो रिड्यूस्ड का ब्रैकेट में नीचे लिख लो, रिड्यूस्ड मीन्स लेस हो गया, कम हो गया। ठीक है, बाय 2 बाय 5। कम होना का मतलब हम प्लस करते हैं या माइनस, माइनस माइनस सबको पता है। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ द वाटर लेवल इन द पॉन्ड इन द समर इज, अभी समर्स में जो वाटर लेवल होगा, पहले वो 1 था, उसके बाद ये 2 बाय 5 हो गया, कम हो गए। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द वाटर लेवल इन द पॉन्ड समर्स में कितना होगा फिर, पहले 1 था और फिर 2 बाय 5 जो है वो हो गया, रिड्यूस बाय 2 बाय 5, मतलब 2 बाय 5 कम हो गया। यस, 6th डे में फर्स्ट गर्ल, बहुत जल्दी कर लिया आपने, हाथ खड़े किए आपने। यस yes, बताओ लाउडली बोलो बेटे, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। 3 बाय 5, यस, इसको आप एलसीएम लोगे, इसका 5 एलसीएम आएगा, 5 माइनस 2 इट विल बी 3 बाय 5। ओके ओके, मैम आपने यही बताया था मेरे को। अच्छा नो अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। दिस इज ऑल राइट, दिस यस इज 3 बाय 5। सबको पता है बेटा यहाँ पे 1 था, तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बाय 5। जब आपने शुरू किया होगा ये चैप्टर, मैम ने आपको बताया होगा कि हम इसको 5 बाय 5 भी लिख सकते हैं, और फिर ये हमारे पास 5 माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन आ रही है बी, 3 बाय 5। 1 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो 1 को हम खुद उसका डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 7 होता फिर आप इसको क्या लिखते, 5 बाय 5 की जगह। अगर 1 माइनस 2 बाय 7 होता फिर 1 की जगह में क्या लिखते, 7 बाय 7। ओके, अगर मेरे को इसके साथ 1 के साथ माइनस करना होता 9 9 बाय 10, मैं फिर इसको लिखते 10 बाय 10, क्योंकि मेरे को लाइक बनाना है। ठीक है बेटे, ये प्लीज इसको ध्यान से देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली 1 का मतलब होल, पूरा का पूरा। आपने पीछे जो पेंटेड किया था कि वॉल पेंट हुई है, तो हमारी 5 बाय 5 आंसर आया था, तो आपने बोला था ना कि पूरी की पूरी वॉल जो है पेंट हो चुकी है। ओके बेटा, ओके, तो ये आपका 3 बाय 5 बेटे आंसर आ गया, बी ऑप्शन, इसको मार्क कर लो। एंड अभी यहाँ पे शालू मैम है। ओके,
आई रिक्वेस्ट टीचर्स यहाँ पे हैं, प्लीज शालू मैम को मैम बोल देना कि इस क्लास के बाद टेस्ट ले लेंगे इनका। ओके 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 मैम, बाय बेटा, थैंक यू, मैम। बाय बेटा, बाय। टाइम हो गया आपका? यस, चल ओके देन, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय मैम। बाय मैम।